कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जैसा लड़का मुझे इस पोस्ट के लिए मिला। तुम इस जॉब के लिए एक काबिल इंसान हो। थैंक यू सर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। आज अर्जुन बहुत खुश है क्योंकि उसे इस नौकरी की जरूरत था। पिता के मौत के बाद अर्जुन अपनी माँ सुषमा और बहन परी को लेकर बहुत गरीबी के दिन गुजारे थे। वो अपनी माँ और बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अगले दिन से अर्जुन ऑफिस जाना शुरू किया। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, इसलिए उस कंपनी का मालिक मिस्टर रोशन उसे अपने बेटे जैसा प्यार करते थे। अपनी पूरी सैलरी वो अपनी माँ को दे देता था, जिससे उसकी माँ संभाल कर घर चलाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। फिर एक दिन, ए हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? सॉरी कौन बोलेगा और मेरा पर्स कौन उठाएगा? एक्सक्यूज मी मैडम, गलती आपकी थी। तो मुझसे सॉरी की उम्मीद क्यों कर रही हैं? वह तो आपको ही बोलना है। ओहो, एटीट्यूड। लेकिन लड़का है बहुत क्यूट, मुझ जैसी सुंदर लड़की को देखकर भी बिगला नहीं। इससे तो अपना बनाना ही पड़ेगा। इतनी जुर्रत, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अर्जुन आगे और कुछ बोलने ही जा रहा था, इतने में मिस्टर रोशन आ जाते हैं और हालात को संभाल लेते हैं। फिर अपनी बेटी रितु की परिचय अर्जुन के साथ करवा देते हैं। फिर अर्जुन वहां से चला जाता है। रितु अपने पिता के साथ उसके केबिन में जाते हैं। पिताजी, मुझे 10,000 रुपया चाहिए। इतना पैसा फिर से क्यों बेटा? मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे शॉपिंग करनी है। मगर तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े और गहने हैं। पिताजी, आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? मुझे बस पैसा दे दीजिए ना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए बस। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अर्जुन, आ जाओ। सर, एक कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, रख दो टेबल पे। पता है डैड, आपका ये एम्प्लॉय बहुत ही बदतमीज है। एक तो धक्का दिया, ऊपर से मुझे ही सॉरी कहने के लिए बोल रहा था। मैडम, गलती जिसकी है सॉरी उसी को बोलना चाहिए। तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगे? और रितु, मैं तुम्हें भी पहचानता हूँ और अर्जुन को भी, समझी? रितु और कुछ नहीं कहती, रुपया लेकर गुस्से से वहां से चली जाती है। रितु मेरी इकलौती लाडली बेटी है, इसलिए बहुत ही जिद्दी और नकचढ़ी है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती रहती है, मगर ये लड़की कुछ सुनती ही नहीं। उस दिन के बाद से रितु अक्सर ऑफिस आने लगी। धीरे धीरे अर्जुन और रितु के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन, डैड, मुझे अर्जुन से शादी करनी है। ऐसे अचानक शादी का फैसला? बस मुझे अर्जुन चाहिए। अर्जुन ईमानदार तो है, शायद वही रितु को सुधार पाएगा। ठीक है, मैं अर्जुन के घर वालों से बात करता हूँ। रोशन अर्जुन के घर वालों से बात करके उन दोनों की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के बाद भी रितु की वर्ताव में कोई बदलाव नहीं आती, बल्कि वो हमेशा अपने सास और ननन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही एक सुबह, अर्जुन, तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ठीक से सो नहीं पाई। तुम्हारे घर में एसी नहीं है और एसी में सोए बिना मुझे नींद नहीं आती। लेकिन अभी तो मौसम सुहाना ही है, एसी की क्या जरूरत? लेकिन मुझे चिल में सोने की आदत है। तुम जैसे भी करके हो एसी लगाओ, आज ही। आज कैसे रितु, कुछ दिन सबर कर लो, मैं देखता हूँ। रात को अर्जुन लौटते ही, एसी कहाँ है? आज ही तो कहा है, समय दो मुझे। उसे तो सब चीज तुरंत चाहिए, तो वो अपने डैड को कॉल लगाती है। हेलो डैड, मेरे घर में एसी नहीं है, प्लीज आप लगवा दीजिए ना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है।
दूसरे दिन ही एसी लग जाती है। अर्जुन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर वो रितु को कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन बाद, अर्जुन डियर, आज शाम को मुझे दोस्तों के साथ शॉपिंग में जाना है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैं तनख्वाह मिलते ही सारा पैसा माँ को दे देता हूँ, और हमारे परिवार की एक बजट है, ऐसे ही अचानक 10,000 नहीं दे सकता। ये बात सुनकर रितु आग बबूला हो जाता है और अर्जुन से झगड़ने लगती है। अर्जुन बिना खाना खाए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन के जाते ही वो अपनी डैड से कहकर 10,000 रुपया ट्रांसफर करवा लेती है। ना चाहते हुए भी रोशन को पैसा देना पड़ता है। फिर बन ठन के बहुत मेकअप करके शाम को रितु जब निकल रही थी, तब परी कहती है, वाव भाभी, इतनी सज धज कर पार्टी में जा रही हो क्या? ऐसे कपड़े पहनकर मैं पार्टी में जाऊंगी? उसके लिए तो मेरे पास एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेसेस है, वो तो मिडिल क्लास वाले नहीं समझोगी। और मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि लाइट मेकअप करके भी बहुत सजी हुई दिखती हूँ। महारानी अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती है, इतनी मोटी मेकअप की परत चढ़ा रखी है और कह रही है कि लाइट मेकअप, आखिर मुझे क्या? हाँ वो तो है भाभी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। रितु निकल जाती है। रात को रितु ढेर सारा शॉपिंग करके घर लौटती है। घर में अर्जुन गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। रितु, ये सब क्या हरकत है? परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते। तुम अब अपनी डैड की बेटी से पहले मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें हम लोगों के हैसियत के हिसाब से ही चलना होगा। नहीं होगा मुझसे ये सब। मेरे डैड को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बेटी, शादी के बाद भी तुम अपने पिता से पैसा लेकर खर्च करो, ये अच्छा नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी, एक तो बेटे के पूरे तनख्वाह में हक जमा कर बैठी है, ऊपर से मुझे समझाने आई है। रितु, माँ से कैसे बात कर रही हो? अरे बात ही नहीं करना है मुझे तुम्हारी माँ से, मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहती। कल के कल ही मुझे किसी फ्लैट में शिफ्ट करवाओगी तुम, समझ गई? अर्जुन बहुत टेंशन में आ जाता है। वो पूरी रात इन सब के बारे में सोचता है। वो अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था, कैसे उन लोगों को छोड़ कर जाएगा? अगले दिन जब वो बाइक से ऑफिस जा रहा था, तब भी उसके दिमाग में वही सब बात चलता रहता है। इस वजह से वो सिग्नल पर ध्यान नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। जब ये खबर उसके घर में पहुंचती है, तब सभी अस्पताल में भाग कर आते हैं। रितु अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, वो बहुत ही घबरा जाती है। तो रितु डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आपको जितने पैसों की जरूरत है आप मुझसे कहिए, मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, आप बस अर्जुन को बचा लीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मैडम, आप बस भगवान से दुआ करें। अगर पैसा इंसान की जान बचा सकता तो आज इस दुनिया में कोई अमीर नहीं मरता। और जिस वक्त आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब थी, किसी बात को लेकर वह बहुत ही टेंशन में था। डॉक्टर ये बात कहकर चला जाता है। रितु को समझ आ जाती है कि उसकी ही जिद के वजह से आज अर्जुन टेंशन में आ गया था और उसका ये एक्सीडेंट हो गया। सुषमा और परी भगवान से प्रार्थना करने लगती है। 2 दिनों तक अर्जुन कोमा में रहता है। इस समय रितु हर वक्त खुद को कोसती रही और भगवान को याद करती रही। 2 दिन बाद, भगवान का शुक्र है कि अर्जुन को होश आ गया, वह अब खतरे से बाहर है। सभी के जान में जान आती है। कुछ दिन में अर्जुन का छुट्टी हो जाता है। सुषमा और परी मिलकर अर्जुन की काफी देखभाल करती है और कुछ दिन में ही अर्जुन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देखकर रितु को समझ आ जाता है कि सुषमा और परी अर्जुन को कितना प्यार करते हैं। ये देख उसे ये महसूस होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं समझ गई
कि कुछ चीज पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है। रितु सुषमा और परी से भी माफी मांगती है और सभी उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं।